हाँ तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास टेंथ का देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का प्रायिकता से, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता खाली स्थान होता है। इसका एक होता है घटना ई की प्रायिकता, और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, एक होता है प्लस करने से। नेक्स्ट देखिए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो क्या घटित नहीं हो सकती, तो जीरो, जीरो घटित नहीं हो सकता। ऐसी घटना असंभव कहलाती है, असंभव कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो घटित होना निश्चित किसका होता है, एक। ऐसी घटना अवश्य या फिर निश्चित घटना कहलाती है, अवश्य या फिर निश्चित घटना भी लिख सकते हैं आप, निश्चित घटना कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस टाइप का पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन में क्या है, 2/3, बी में है -1/5, सी में है 15%, डी में है 0.7। तो इसमें आप देख सकते हैं जिसको भिन्न में लिखा जाता है वो क्या प्रायिकता हो सकता है ना, लेकिन ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसमें हो सकता है। लेकिन बी में देखिए -1/10 है, तो ऋणात्मक कभी भी प्रायिकता होता है, माइनस में नहीं होता है। 15% को भी 15/100 कर सकते हैं, 0.7 को भी 7/10 कर सकते हैं, लेकिन -1.5 को बट्टा में करेंगे फिर भी माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस कभी भी प्रायिकता में नहीं होता, ये याद रखना। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, माइनस में आपको दिखेगा कोई भी तो उसको टिक लगा देना। नेक्स्ट देखिए, यदि पी ई बराबर 0.05 है, तो पी ई नहीं की प्रायिकता क्या है, तो इसमें पी ई नहीं की प्रायिकता, तो हम क्या जानते हैं, पी ई प्लस पी ई नहीं की प्रायिकता नहीं बराबर क्या होता है, एक होता है, पहले ही देख चुके थे देखिए, तो उसी का हिसाब से हम लोग लिख लिए कि पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर कितना होता है, एक। तो अब पी ई का मान क्या दिया है, 0.05, तो लिख दीजिए 0.05। हमको क्या ज्ञात करना है, तो पी ई नहीं, पी ई नहीं, तो पी ई नहीं बराबर क्या हो जाएगा, एक प्लस में है, उधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस में, पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, एक में 0.05 को घटाना, तो आपको घटाने आता होगा, एक लिखने के बाद पॉइंट के बाद दो अंक है, तो 2 0 आप लगा दीजिएगा, और यहाँ 0.05 लिख दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो यहाँ कितना होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0.095। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, यादृच्छया का मतलब होता है बिना देखे, आप बिना देखे कहीं थैला से निकाल रहे हैं मान लीजिए, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद, पहला में क्या लाल, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, कुल गेंद लिखना है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंद में क्या करेंगे, लाल को और काला को जोड़ देंगे, लाल गेंद को और काला को, लाल गेंद कितना है, 3 है, और काला गेंद कितना है, 5, तो 3 और 5 8 हो गया। अब हमको क्या क्या बोल रहा है, तो लाल गेंद की, तो लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो लाल गेंद की संख्या, ऊपर में संख्या लिखना है, लाल गेंद की संख्या बट्टा कुल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद की संख्या कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, और कुल गेंद हम लोग का कितना आया, 8 आया, तो 3/8 हो जाएगा। कटता नहीं है तो आंसर लिख देना, और कटेगा तो काट देना। अब दूसरा में क्या है, लाल गेंद नहीं होने की, तो लाल गेंद नहीं होने के लिए भी वही लग, लाल गेंद नहीं होने की, तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो इसमें लिखना है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद नहीं, तो काला गेंद की संख्या लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, काली गेंद की संख्या बटा कुल गेंद की संख्या,
काली गेंद कितना है, 5 है, और कुल गेंद कितना है, 8। तो इसमें 5/8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयोग जिसको चांस भी बोला जाता है, कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो कि आप मेला में देखते होंगे ऐसा, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, घुमा दिया जाता है, उसके बाद किसी एक संख्या में आके क्या रुकता है, इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित है। तो पहला में देखिए क्या दिया है, 8 को इंगित करेगा, है ना, तो 8 को इंगित करेगा मतलब 8 की प्रायिकता, है ना, 8 की प्रायिकता। तो 8 की प्रायिकता क्या है, तो 8 आने की संख्या, 8 आने की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो 8 कितना बार आ सकता है, एक बार, और कुल कितना बार है, तो 8 बार है, तो 8 लिख देंगे, 1/8 हो गया। दूसरा में क्या है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो विषम संख्या आपको पता होना चाहिए, विषम संख्या इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो विषम संख्या कितना है, 4 हो गया है, तो विषम संख्या इंगित करेगा, तो 4 लिखना है, और कुल कितना है, 8 है, तो 4/8। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो 2 से बड़ा जितना भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 है, और टोटल कितना है, तो 8, तो 6/8 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 2 × 3 = 2, तो 3/4 हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, है ना, ऐसा आप लिख सकते हैं आंसर में, 8 को इंगित करेगा तो 8 की प्रायिकता, तो इस तरह एक विषम संख्या की प्रायिकता। 9 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, तो 9 से छोटी सब है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 9 से सब छोटा है, तो कितना है, 8 है, और टोटल कितना होता है, तो 8, टोटल को नीचे लिखना है, तो 8/8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।